हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूं सब ठीक होंगे, ठीक रहना चाहिए। तो स्वागत है आपका एपिसोड का। ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है रूम नंबर 316 में। 316 में हमारे मोहित भाई और सारी टीम। तो जैसे हमने पीछे के ब्लॉग में प्यार दिया, इस ब्लॉग में जरूर प्यार देना। तो देखते हैं आज का क्या सीन बनता है। आज तो हमने कहीं घूमने तो जाना नहीं, आज तो हम यहीं रहेंगे कथा पंडाल में। रात को जाएंगे मंदिर, क्योंकि घूमना जो है कि अब टोटली बंद हो गया, गुरु जी ने बंद कर दिया। तो फिलहाल यहाँ पे देखो क्या सीन है बाहर। ये लोग जो है कि लिफ्ट का कर रहे हैं वेट। और ये रहे हमारे रूम्स, ये देखो सभी क्या बात है। तो यहाँ पे मोहित भैया ने लाई थी चाय, मैं जा रहा था नीचे, मुझे कहते चाय पी के जा। हाँ जी मोहित भैया, सीताराम 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 जी। ये हमारे साउंड मास्टर रोहित भाई बैठे हुए हैं। तो ये देखो नीचे का नज़ारा दोस्तों। आज लोग काफ़ी जो है कि कम है, आज हमारे कुछ लोग आगे पीछे निकल गए हैं, कुछ लोग सोमनाथ निकल गए हैं, कुछ लोग घर वापस निकल गए हैं। तो लेकिन हम तो जाएंगे 22 तारीख को। यहाँ पे देखो अभी तक सोए हुए हैं, उठे नहीं है भाई, उठ जाओ चाय पी लो। तो दोस्तों बने रहो व्लॉग में, काफ़ी मज़ेदार होने वाला हमारा आज का ही व्लॉग। तो दोस्तों सुबह सुबह गुगली भाई आ गए हैं जी। भाई क्या सीन है आज का, आज कहाँ घूमने जाओगे? आज नागेश्वर। अभी आपको कल की वो नहीं मिली डोज? नहीं नागेश्वर गुगली यार, आज बड़े लोग चले गए वहाँ घूमने के लिए। रूम कल ही हो गया। लोग बड़े घूमने के लिए, अकेला अकेला रूम लेंगे। दोस्तों हमारे कमरा देवता आ गए हैं, जिन्होंने सबको कमरे दिए हैं। नहीं यार भैया, एक भजन सुना दो यार, प्लीज भजन सुना दो यार। नहीं एक एक सुनाओ, एक सुनाओ थोड़ी सी लाइन। सुना ना, सुना ना यार भैया, सुना यही वाला सुना ना यार। सीताराम भैया आज ठीक हो ना? कृपा प्रभु की। आज आप हमें लंगर हाल में दिखने चाहिए, ठीक है? आज सुबह 4:30 बजे घूमती के स्नान किए। अच्छा कर रहे हो? हाँ, और आरती में प्रभु के दर्शन किए। अच्छा अच्छा, जाली साहब ने दर्शन करवाए उनकी भगवान। अच्छा अच्छा, खुश रखे। अच्छा साहब, सीताराम जी ठीक हो? और ठीक है? हाँ जी बाली साहब, आप भी ठीक हो? सुबह सुबह आ गए, लोगों को सुबह सुबह ठीक करते हैं। आपको उठाता हूँ, बहुत बढ़िया भाई। कम लिफ्ट में झूठे खा यार, कितने झूठे खाएगा लिफ्ट। ये देखो कैसे झांक रहे बाहर, जैसे कि यहाँ से बाहर कोई चीज, जैसे बच्चे नहीं छोटे गाड़ी में बैठते हैं, हमें विंडो सीट चाहिए विंडो सीट चाहिए, वो साहब है इसका। ये देखो ये देखो ये देखो, राहिल भैया दिख जाए तो क्या होगा। कौन दिखे? राहिल भैया। तो दोस्तों मोहित भैया आज अपनी फॉर्म में है फुल यार, आज नहीं मानते मोहित भैया है। माथे में तिलक देखो, वाह जी वाह, आप पुजारी बने हो आज। सुबह दर्शन करेंगे बिगम जी। ठीक है ठीक है, आपने किसके दर्शन किए आज? उनके करने लगो ना, ये बहुत दर्शन करते हैं यार। वो हमारे दर्शन कराने वाले आ रहे हैं। कौन? दोस्तों अभी महाराज जी आएंगे, वो खड़े हैं महाराज जी, कुछ लोग हैं बस। फिर यहाँ पे हवन में जो है कि होगी पूर्ण आहुति। कथा चल रही थी तो हमने सोचा चलो थोड़ा बाहर घूम आते हैं। तो फिलहाल हम आए थे यहाँ पे मंदिर वाली साइड, तो कुदरती नीचे आ गए। और ये सामने है गोमती नदी, और इस नदी के बारे में अगर आपको बताऊँ ना, देखो अभी बिल्कुल सूखी हुई है, थोड़ा सा पानी है। और हो सका तो मैं सुबह आऊँगा, नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगा। अगर सुबह में स्नान करने आया तो आपको यहाँ दिखाऊँगा, ये पूरी नदी भरी होगी सुबह के टाइम में। अभी फिलहाल ये सूखी हुई है पूरी नदी सुबह के टाइम, तो यहाँ पे भाई जन्नत है जन्नत। ये चेक करो आप यार, ये देखो अभी तो बिल्कुल सुनसान है, सूखी है, लेकिन सुबह के टाइम यहाँ पे बहुत पानी होता है, बहुत जल होता है यहाँ पे यार। अभी 10 बजे रात को, 10 बजे और सुबह सुबह में पूल भरा। अच्छा ये बोल रहे हैं रात को 10 बजे नदी आ जाएगी, मछलियाँ भी हैं इसमें दोस्तों। ये देखो जितने भी शेल्स वगैरह ना, सब इसी नदी से निकलते हैं। ये देखो भाई पानी से निकाल के। दोस्तों फिलहाल हम आए हैं एक भैया के घर, ये पगड़ी बनाते हैं। तो देखो इनका घर कैसा, कितना प्यारा सा घर है, और ऐसे लग रहा है देखो कितनी प्यारी गली है। वाह जी वाह। तो पंडित जी साहिल भी और मैं आया हूँ, बुलाना हमको। तो ये भैया आए बाहर, भैया जो पगड़ी बनाते हैं, और ये अभी हमें दिखाएंगे सैंपल। तो ये अपने फोन से सैंपल निकाल रहे हैं,
इन्होंने देखो अंदर गायें भी रखी हुई है यार, यहाँ पे हर किसी बंदे ने गायें रखी हुई है। देखो अंदर ये बोलते हैं कि यहाँ जो भी आपको घर मिलेगा उस घर में आपको गायें जरूर दिखेगी, गौ माता जरूर दिखेगी। सही है यार, यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम लगा मुझे यहाँ पे। देखो कैसे दरवाजे हैं पुराने टाइम के, बहुत मजा आ रहा है इनको देख के। पुराने टाइम की खिड़कियाँ देखो, ऐसा लग रहा है पुराने टाइम का घर बना हुआ है। बहुत जबरदस्त चीज है यार यहाँ पे, बहुत जबरदस्त चीज। जल जी महाराज ने देखा भगवान का रूप, देख करके मोहित आश्चर्य में पड़ गए कि अरे प्रभु मैं आपका नाम क्या रख दूं, क्योंकि प्रभु का एक नाम नहीं है। फिलहाल अभी कथा खत्म हुई और ये गुरुजी मिल रहे हैं इनसे। ये हैंडीकैप हैं, ये आप देख रहे हो सामने, इनको सभी जानते ही हो, विनोद अंकल। तो गुरुजी सभी से मिल रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं अंदर, लंगर हॉल में होगा लंगर शुरू। और खाने वाले भी पहले ही से उतावले हैं कि जल्दी से लंगर शुरू और हम खाएं। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। दोस्तों फिलहाल जो है कि हम भगवान का नाम लेके मंदिर जा रहे हैं, आपने देखा ही है जैसे क्योंकि हम भगवान की जगह में आए तो भगवान का नाम। जय द्वारकाधीश मांगे। दोस्तों जो बात है कि भगवान ऐसे याद तो आते नहीं, चलो चलते फिरते हम भगवान के दरबार जा रहे हैं तो हमने याद कर लिया। जय द्वारकाधीश राहिल भाई मांगे 20 देवे 30। फिलहाल चल रहे हैं हम द्वारकाधीश के मंदिर वापिस से दर्शनों के लिए, क्योंकि हम रोज शाम को दर्शन करने जाते हैं। तो फिलहाल हम जा रहे हैं दर्शनों के लिए। एक बार दर्शन नहीं करते हम, चार चार बार दर्शन करते। बिल्कुल सर, कल हमने चार बार दर्शन किए दोस्तों, चार बार। तो दोस्तों फिलहाल मंदिर की मार्केट में आए और राहिल बांसुरी बजा रहा है। साफ कर देते यार, मैं तेरे द्वारकाधीश के भक्त है, ये ले। दोस्तों इस बेचारे की बांसुरियां झूठी कर गया ये सारी। भाई तो झूठी कर रहा है इसकी बांसुरियां। मैं कृष्ण जी हूँ। फूका निकली बांसुरी नहीं बजी। कितने का ये? निकली है बांसुरी नहीं बजी। ये मोटा। दोस्तों लेनी मिन्होंने नहीं है, लेकिन ये सुखी सिर पे गए। ओ कृष्ण जी आ गए, हमारे कन्हैया जी आ गए हैं। जोड़ी है ये जोड़ी। घूम गया था अभी क्या हुआ? मैंने बजरी की नगाड़ी सुने तूने?
पांच भजन गाए मैंने अंदर। तू गाएगा भजन? रुक जा रुक जा, आंटी और गा के टीकू भी, तो टीकू भी साथ है। जाइए रा गाएगा गई दादा, गागा गागे बताना हमें पता चले। राधा 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 राधा, आगे दूसरा दूसरा राधा, आगे दूसरे बोले राधा राधा। भाई लोग ये मार गया झूठ, पांच भजन बोले थे इसलिए बस राधा राधा बोला हमारे सामने। दूसरा कौन सा बोला? दूसरा बोल भजन, अब दूसरा बोल, अब बोल बोल। राधे जी कुंज बिहारी, राधे राधे श्यामा प्यारी। तीसरा कौन सा बोला था? गुजरिया नमः गुजरिया। दोस्तों गुगली जो है बोल रहे थे भजन बोल रहे, इससे बात सही ढंग से होती नहीं है, भजन ये स्वा बोलेगा जो बात। तो दोस्तों फिलहाल हमने शॉपिंग भी की है और ये हमारी शॉपिंग, लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं कि हमने लिया क्या। क्यों राहुल भाई हम बता नहीं सकते? क्यों नहीं बता सकते? सिगरेट चीज है, सिगरेट चीज। दोस्तों ने शॉपिंग तो की है, ये हमारे नौशहरा के लोग ये भी शॉपिंग कर रहे हैं, ये भी नौशहरा के लोग हैं, इनको आप सब जानते हो। तो ये देखो अभी फिलहाल शॉपिंग की है हमने और चल रहे हैं आगे, अभी खाएंगे खाना। वो कि आगे क्या होता है, बस खाना खाना है, भूख लगी है इतनी कुछ खाने की। आ भाई खाना खाने हो, आप और करने के आए हो? आप क्या करने आए हो? आप हम दर्शन करने आए, आपने तो पहले खाने का नाम लिया। हम श्री जी के दर्शन करने आए हैं। आप पहले थोड़ा पीछे करके देखना कि इसने क्या बोला कि हमने खाना खाना। दोस्तों हम यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं, लेकिन ये जो बाहर आप जितनी भीड़ देख रहे हो ना, ये वेटिंग में लगे हुए हैं और अंदर इतना रश है और ये वेटिंग में है। ये देखो कैसे बैठे हुए भूखों की तरह मुंह निकाल के। भूख नहीं लगी? नहीं लगी, लेटा खाओ। ये देखो राहिल भाई और साहिल भाई भी खड़े हैं, तो यहाँ इतना रश है यार खाने के लिए, इतना रश है। देखो अंदर भाई साहब खाना। दोस्तों फिलहाल हम चार बंदे जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमें यहाँ पे खाना नहीं मिला। वो बोलते हैं रश बहुत ज्यादा है, आधे घंटे बाद नंबर आएगा, वो भी गारंटी नहीं है कि खाना मिले ना मिले। तो फिलहाल हम चारों जा रहे हैं वापस, हम चार बैठे हैं दोस्तों। अब ट्रैफिक की उल्लंघना तो कर रहे हैं, लेकिन क्या करें यार, जाना तो है ही है। दोस्तों फिलहाल आ चुके हैं हम होटल में, और अब आज हम जो है कि अपने होटल में नहीं, आज हम आए हैं गूगली के होटल में। तो आज हम यहाँ भी सोएंगे सभी इकट्ठे, मेरा राज भाई और गूगली। तो करते हैं यहाँ पे इस व्लॉग को एंड, और बहुत जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड में, नए व्लॉग में। तो तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू गाइस।